किस्तान तू सलामत रहे, ऐ मेरी जान तो सलामत रहे। दो कौमी नजरिया की बुनियाद, इंकिसारी और इसार की आला मिसाल, कमोबेश चार दिहाइयों पर मुश्तमिल अंथक जिद्दोजहद, 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरने वाला मुल्क। कुर्बानियों के बाद मिलने वाली आज़ादी, क्या हम आज़ादी का मकसद जान सके हैं? अपने वतन के लिए हमारा किरदार कैसा होना चाहिए? वतन से मोहब्बत और अकीदत का इजहार सिर्फ जज्बात और एहसासात मुनासिब नहीं है। शोर के बीच में जश्न आज़ादी के नाम पर आप भंगड़ा डालोगे? अपने मुल्क को बर्बाद कर कर मैं अपने घर को आबाद नहीं कर सकता। हमारे वतन अजीज को बद नजरों की नजर लग गई। आज मुसलमान हर जगह परेशान है, एक भाई दूसरे भाई को कतल कर रहा है। डर लगता है घर से निकलने के लिए। खून पसीना बहा के ये पाकिस्तान हासिल किया है। तुम्हें अल्लाह नेमत अदा करे तो उसका शुक्र अदा करो। तमाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आके जमा हो जाएं। इस्लामिक स्टेट बनाने का जो किरदार दावत इस्लामी ने किया है, माशाल्लाह दावत इस्लामी के जब हम प्रोग्राम देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। हजरत अलामा इलियास काजी साहब दुनिया में लोगों को अपने फैज से फैज याब कर रहे हैं। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह।